समझाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इस वायरस के जो गंभीर खतरे हैं उससे निपटने के लिए किस तरह से प्रयासों में तेजी लाई जा रही है। और इससे में तेजी लाते हुए गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की जो धारा 59 है उसका प्रयोग करते हुए केंद्रीय गृह सचिव की अधिनियम के तहत बनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष की शक्तियों को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को सौंप दिया। इस कदम से कोरोना वायरस का जो प्रसार है उसे रोकने और उससे निपटने के लिए जो निर्णय लेने हैं वो लेने में आसानी होगी। ये निर्णय 17 जनवरी 2020 से लागू माने जाएंगे। और इसी पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह। तो नितेंद्र, जिस तरह से लगातार आप भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार हम देख रहे हैं सरकार कोशिश कर रही है, जीओएम की कल 2 बैठकें की गई एक ही दिन में, प्रधानमंत्री भी इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, ऐसे में नेशनल डिजास्टर एक्ट जो है उसका इस पूरी समस्या से जुड़ जाना कितना कारगर साबित होगा इसे रोकने के लिए, साथ ही कैसे जब राज्य में भी जो महामारी अधिनियम है वो लागू अब कर दिया गया है तो काफी आसानी हो जाएगी इसके प्रसार और प्रचार को रोकने के लिए। जी बिल्कुल, चल जो दो बड़े निर्णय केंद्र सरकार की तरफ से लिए गए वो इसलिए जरूरी है कि एहतियात के तौर पे कोरोना वायरस के को लेकर के जितनी भी रोकथाम की व्यवस्था हो या उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी व्यवस्था है उसको प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। इसके अलावा जो डिसीजन है, निर्णय है, वो बहुत तेजी से लिया जा सके और राज्यों को जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं केंद्र की तरफ से वो राज्य उसको सही ढंग से लागू करे, इसमें प्रभावी एक तरह से कदम उठाया जा सके। जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की जो शक्तियाँ हैं सिक्योरिटी कमेटी की, वो जो होम सेक्रेटरी को पावर होते थे वो अब केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को, हेल्थ सेक्रेटरी को दे दिए गए ताकि इसकी जो रोकथाम से रिलेटेड या मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी कदम है उसको एक ही व्यक्ति को तुरंत वो निर्णय ले सके। दूसरी जो बात है कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 को लागू किया गया, वो इसलिए लागू किया गया क्योंकि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, राज्यों से जुड़ा विषय है और जितनी भी एडवाइजरी केंद्र की तरफ से जारी किए गए हैं वो राज्य प्रभावी तरीके से लागू करें और इसलिए इस एक्ट को लागू किया गया है कि प्रभावी किया गया है कि राज्य बेहतर तरीके से उसको लागू करे और केंद्र उसको एक तरह से गाइड करता रहे। जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि WHO ने इसको महामारी घोषित किया है COVID-19 को, वो इसलिए क्योंकि जितने भी महाद्वीप हैं उसमें ये फैल चुका है और उसके अलावा 100 से ज़्यादा देशों में करीब 1 लाख से अधिक लोगों को प्रभावित कर चुका है। तो ऐसे में एक ग्लोबल एक तरह से संकट है जिसको निपटने की एक बहुत व्यापक रणनीति की ज़रूरत होगी और इसीलिए भारत ने ये तमाम जो कदम उठाए हैं वो एहतियात के तौर पर उठाए हैं क्योंकि पहले से अगर हम प्रिपेयर रहेंगे तो हम इसको बेहतर तरीके से नियंत्रण करने में कामयाब हो पाएंगे। जी नितेंद्र, एक सवाल और जानना चाहेंगे। दरअसल अगर हम अपने ऑफिस की भी बात करें, दूरदर्शन भवन की, तो यहाँ पर बायोमेट्रिक्स को सस्पेंड कर दिया गया है, साथ ही साथ सैनिटाइजर्स हम लोग अपने ऑफिस में रख रहे हैं उसका उपयोग किया जा रहा है, तो इस तरह के कदम और कहाँ कहाँ उठाए गए हैं? और साथ ही साथ आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि आप लगातार चिकित्सकों के संपर्क में रहते हैं, ये वो वक्त है क्योंकि मौसम में भी उतार चढ़ाव चल रहा है, तो अपनी इम्यूनिटी को लोग किस तरह से स्ट्रॉन्ग रखें इसको लेकर के क्या कुछ चिकित्सक बोल रहे हैं? देखिए, डॉक्टरों का ये कहना है कि इस पे बचाव सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक तरह से एलिमेंट है। सबसे बड़ी बात है कि आप क्लोज कांटेक्ट में किसी के ना आए, खासतौर पे अगर किसी से बात भी अगर कर रहे हैं तो 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अगर कोई खांसता है, छींकता है या फिर उनको सर्दी जुकाम है तो उनसे दूरी बना के रखें। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जैसे बायोमेट्रिक आपने जिक्र किया, क्योंकि कई लोग आ कर के बायोमेट्रिक में उंगली के जरिए अपनी अटेंडेंस दर्ज करते हैं तो ये संक्रमण एक दूसरे से ना फैले, इसलिए एहतियात के तौर पर इसको सस्पेंड किया गया है 31 मार्च तक के लिए। इसके अलावा जो एक तरह से जो गाइडलाइन जारी किया गया है, जो दिशा निर्देश है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, कि अगर आप
सर्दी खांसी जुकाम से पीड़ित हैं तो कम से कम अपने चेहरे को ढक के रखें, हाथ को साबुन से, कोई ज़रूरी नहीं है कि सैनिटाइज़र ही हो, अगर आप बाहर रहें तो सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्रिक्वेंटली हाथ भी आप धोते रहें जब भी कभी बाहर से अपने घर पे जाएं या फिर अपने चेहरे को छुए, उससे पहले साबुन से ज़रूर हाथ धोएं, ये एहतियात के तौर पे कदम उठाने के लिए बोला गया है। क्योंकि जितना आप अवेयर रहेंगे, जितना आप सतर्क रहेंगे, जितना इसमें सावधानी बरतेंगे, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है उसके संपर्क में नहीं आएंगे तो इस बीमारी से बच सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अहम जानकारी नितेंद्र आपने दी कि जो संक्रमित व्यक्ति है अगर उससे संपर्क से हम दूर रहें, जैसे कि एहतियातन जो कदम आपने बताए वो काफ़ी अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र इस तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो